तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में 15वें वित्त आयोग की बैठक भी संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बैठक के बाद 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश का जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का माहौल भी अच्छा है। लखनऊ वित्त आयोग की ये अहम बैठक हुई जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन और उनकी टीम ने बैठक की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव और प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव समेत प्रमुख सचिव शामिल रहे। सभी ने सरकार के सभी सेक्टर विशेष की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन के साथ विभागों द्वारा किए गए प्रयासों को बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वित्त आयोग के आगे सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड रखा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 2.5 वर्ष के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूल चलो अभियान के कारण 50 लाख बच्चों का अतिरिक्त नामांकन बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में किया गया है। इन सभी बच्चों को निःशुल्क सुविधाओं में पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर का वितरण भी राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम के अंतर्गत अवस्थापना सुविधाओं पर कार्य किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में 92,000 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, बाउंड्री वॉल, गेट, शौचालयों, हैंडवाश, पेयजल सुविधाएं, विद्युतीकरण आदि कार्य किए गए हैं। विकास के साथ साथ हमने प्रदेश में पुनावरण एवं वृक्षारोपण बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर टीम के साथ आए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा मुहैया कराने का संकेत दिया है। सरकार के विकास कार्यों की तारीफ करते हुए एनके सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश को अब राजनीतिक स्थिरता बड़ा फायदा मिल रहा है। यहां का जीडीपी ग्रोथ औसत से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश जैसा माहौल दूसरे राज्यों में नहीं दिख रहा है। सर्वप्रथम नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ पिछले कई वर्षों में उत्तर प्रदेश ने उपलब्ध किया है वह राष्ट्रीय औसत से निश्चित रूप से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय संचारण को सही रूप से चलाया है, क्योंकि FRBM के अधीन जो लक्ष्य थे यानी 3% फिस्कल डेफिसिट के अधीन, उसका उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से संपूर्ण रूप से उसका पालन किया है। यह सराहनीय है, क्योंकि कई अन्य राज्यों में ऐसा चित्र आयोग के समक्ष नहीं आया है। मेरी दूसरी टिप्पणी यह है कि यद्यपि यह कहा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कई ऐसे लक्ष्य हैं जैसे लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, एनीमिया, स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन, इन सबों चीज में वर्तमान आंकड़े यह दिखाते हैं कि राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश ने जो प्रगति की है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लेकिन आज जो इन्होंने हमारे समक्ष अपना कार्यक्रम दिया है उससे आयोग संतुष्ट है कि आगे आने वाले दिनों में इसमें निश्चित प्रगति होगी। क्यों? पिछले 2 साल में जो इन्होंने प्रगति की है, जो गैप था बिटवीन उत्तर प्रदेश और नेशनल एवरेज, वो गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारियों ने मंगलवार को 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक में यूपी के विकास के लिए और पैसा मांगा है। आयोग को सरकार ने बताया कि उन्होंने हर जगह खर्चों में कटौती की है और आय के स्रोत को बढ़ा दिया है, पर विकास परक योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।